हाय फ्रेंड्स, जॉब सेंट के लिए मैं फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज का जो रिकमेंड है वो AGCL से आया है, मतलब असम गैस कॉरपोरेशन सॉरी कंपनी लिमिटेड से आया है। और टोटल जो रिकमेंड है वो ट्रेनी एंड ग्रेजुएट इंजीनियर के लिए है। और टोटल जो जॉब वैकेंसीज है 12 पोस्ट है, तो मल्टी पोस्ट है। तो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा पूरा डिटेल्स, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो। देखिए, असम गैस कंपनी से जो रिकमेंड है टोटली ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, आपको असम में जॉब मिलेगा। टोटल वैकेंसी से मैं पहले ही बता चुका हूँ। और यहाँ पे देखिए, जॉब जो नेम होगा वो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए होगा मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। और ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंट के डिपार्टमेंट से और केमिकल डिपार्टमेंट से और कंप्यूटर साइंस में और मैनेजमेंट ट्रेनी, ये अलग अलग पोस्ट है। अलग अलग पोस्ट के लिए टोटल 12 वैकेंसीज है। परमानेंट जॉब मिलेगा आपको प्राइवेट सेक्टर में। पैसा सो एक्सपीरियंस दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ आपको एज लिमिट होना से चाहिए 18 से 30 ईयर्स। और सिलेक्शन जो प्रोसेस रहेगा, यहाँ पे देखिए, आपका जो एलिजिबिलिटी होगा वो आपका जो नंबर होगा उसके साथ आपका एलिजिबिलिटी होगा, उसके साथ आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। और कोई भी चार्जेस नहीं इसको अप्लाई करने के लिए। आप सैलरी पैकेज डिस्कस किया नहीं है, फिर भी आप नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए, ग्रेजुएट इंजीनियर के लिए मतलब मैकेनिकल के लिए BA BTEC कम्प्लीट करना चाहिए, वो भी मैकेनिकल ट्रेड से। 55% मार्क्स होना चाहिए। और इंस्ट्रूमेंट के लिए, इंस्ट्रूमेशन के लिए आपको फर्स्ट क्लास BA BTEC कम्प्लीट करना चाहिए, वो भी 65 मार्क्स से। और केमिकल डिपार्टमेंट से जब आप 65 मार्क्स लेकर BA BTEC कम्प्लीट कर चुके, तो आप केमिकल डिपार्टमेंट में जॉब मिल सकते हैं आपको, और कंप्यूटर साइंस में भी सेम। तो इस तरीके से आपको पूरा डिटेल्स यहाँ पे मैं दिया हुआ हूँ, तो प्लीज़ चेकआउट कर लीजिए। और नोटिफिकेशन में जाकर भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और इसका लास्ट डेट जो रहेगा 8 मार्च, उससे पहले आपको अप्लाई करना है। 26 फरवरी से एप्लीकेशन शुरू होगा, मतलब आज से शुरू होगा, तो जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए, टाइम ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे देखिए, प्रोसीड्योर जो दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। पहले नोटिफिकेशन में क्लिक करेंगे तो इस पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल्स, वैकेंसी डिटेल्स दिया हुआ है। और सबसे बड़ी बात, आपको जब ऑनलाइन में क्लिक करेंगे तो इस पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जाकर आपको डिटेल्स में क्लिक करना है। तो जब डिटेल्स में क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो हो जाएगा। और आप जब डिटेल्स में जाकर यहाँ पे देखिए, वो ही पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा और सैलरी डिटेल्स भी मिल जाएगा। देखिए सैलरी भी यहाँ पे दिया हुआ है। और अलग अलग ट्रेड है तो अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग सैलरी डिटेल्स है। पूरा डिटेल्स आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे फॉर्म पूरा दिया हुआ है, तो इस फॉर्म को आपको फिलअप करना है और भेजना है, ठीक है। तो ये ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है, ऑफलाइन प्रोसेस है। इसका प्रोसीड्योर यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, तो आप चेकआउट कर लीजिए, उसके बाद आप अप्लाई करिए। तो नोटिफिकेशन में आपको पूरे डिटेल्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ऐसे पूरा नोटिफिकेशन में मिल जाएंगे, तो प्लीज़ इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद अप्लाई करिए। आप आई होप जॉब का पूरा डिटेल्स आपको समझ में आएगा, तो जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए। और मेरे चैनल में नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए। धन्यवाद।